नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। शिवसेना जब से महाराष्ट्र में सत्ता में आई है, तब से मानो शिवसेना ने महाराष्ट्र पर अपना राज समझ लिया है। उसके बाद जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सरकार और पुलिस की लापरवाही को लेकर जब महाराष्ट्र सरकार की फतफत हुई, तब से तो मानो शिवसेना दादागिरी पर उतर आई है। जिस किसी को मना रहा है पिटवा दे रही है, किसी के ऑफिस को गिरा देती है, तो अब तो तब हद हो गई जब किसी एक दुकान का नाम बदलवाने के लिए शिवसेना धौस जमाने लगी। शिवसेना के नेता धमकाने लगे। शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित कराची स्वीट्स का नाम बदलकर मराठी स्वीट्स रखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वीडियो में दुकान के मालिक को धमकाते दिख रहे नितिन नंदगांवकर ने कहा कि आपको ये करना होगा, हम सबके लिए आपको समय दे रहे हैं, कराची को मराठी में बदला जाए। सोशल मीडिया पर शिवसेना नेता का यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। लोगों ने कराची नाम की दुकान को लेकर इतने ट्वीट किए कि कराची ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। प्रियम प्रियदर्शी ने लिखा, नाम से आज लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, ये नई तरह की राजनीति है, ये आम आदमी को तंग कर रही है, जबकि आम आदमी को इससे क्या करना है। अगर कोई चीज किसी भी नाम से फेमस है तो उसे बदलने की जरूरत क्या है, ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा। मोहिल मल्होत्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, शिवसेना के पास अब नेता नहीं गुंडे हैं। एक और यूजर ने लिखा, कराची का मराठी क्या होता है। ज्योत्सना ने लिखा, नेता शिवसेना के लिए गुंडे ही सही शब्द है। पार्थ कुलकर्णी ने लिखा, कराची और सिंध भारत के ही हिस्से हैं तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फ्री कश्मीर के नारे लगाना शिवसेना के लिए ठीक है। कुल मिलाकर लोग इस तरह से शिवसेना को गुंडे करने पर निशाने पर ले रहे हैं। शिवसेना ने अभी हाल ही में कराची नाम की दुकानों के नाम बदलवाने की मुहिम छेड़ी है, ये धमकी उसी का हिस्सा है। और अब इस मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने फिर एक बार शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोला है। ट्वीट कर कहा है, जैसे भारत के चाइनीज होटल्स का चीन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही बांद्रा के कराची स्वीट्स का पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है, ये सत्य शिवसेना के बेवकूफ कार्यकर्ता कब समझेंगे। 70 साल पुरानी दुकान का नाम बदलने की जो धमकी दी गई है वो गलत है। मुख्यमंत्री तमाशा न देखें, उसकी रक्षा करें। संजय निरुपम से पहले गुरुवार सुबह मुंबई में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला गया था। पार्टी नेताओं ने ऐलान किया था कि वो मुंबई में कराची के नाम पर किसी भी तरह का व्यापार नहीं होने देंगे। इसी अभियान के चलते शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर कराची स्वीट्स के मालिक को धमकाने पहुंच गए थे। पहुंचकर कहा था कि तय समय के अंदर वो अपने नाम के आगे से कराची हटा ले। पार्टी के मुताबिक कराची नाम की कोई भी चीज मुंबई में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, कराची नाम की दुकान देख शिवसेना के नेता ने हमला बोल दिया। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको शिवसेना के इस रुख पर क्या कहना है। क्या आपको भी शिवसेना नेता की तरफ से दी गई ये धमकी गुंडई लग रही है, या शिवसेना कराची नाम का विरोध कर ठीक कर रही है। हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपका नाम रखिए ना, आपका नाम आपका पड़ता है, आपका पड़ता है।